बाबा की विस्तार से जानकारी ली कि आयुर्वेद में सद्य परिणामदायी कौन सी चिकित्सा है। पंचकर्म की मुख्य दो प्रक्रिया वमन और विरेचन है। वमन यानी के ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और विरेचन यानी के ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया। वमन में वैद्य उल्टी करवाते हैं और विरेचन में वैद्य डायरिया यानी कि मोशन करवाते हैं, परंतु यह दोनों ही चीजें वैद्य की निगरानी में करनी अत्यंत आवश्यक है। आइडियली वसंत ऋतु में वमन करवाना चाहिए और शरद ऋतु में विरेचन करवाना चाहिए, परंतु कोई भी वैद्य रोग की परिस्थिति देखकर कोई भी ऋतु में करवा सकता है। दोनों ही प्रक्रिया में पूर्व कर्म यानी कि प्री प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। चलो देखते हैं कि उसमें क्या किया जाता है। पहले 1 से 3 दिन तक पाचक दवाइयों का सेवन करना होता है, जिससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो। उसके बाद में ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन तक इंक्रीजिंग डोज में घी या तेल पीना होता है, जिसे वैद्य स्नेहपान कहते हैं, जिसमें दवाई वाला या प्लेन घी या तेल कौन सा पिलाना वह एक वैद्य ही डिसाइड करता है और उसकी क्वांटिटी इंक्रीजिंग डोज में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसके बाद 1 से 3 दिन तक पूरे शरीर में शेक और मालिश, जिसे आयुर्वेद में स्नेहन स्वेदन बताया जाता है, वह प्रोसीजर की जाती है। फिर आता है ओरिजिनल दिन, जिस दिन आपको डायरिया या वॉमिटिंग करनी होती है। आपको उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और वैद्य की निगरानी में वैद्य चाहे उतनी बार आपको डायरिया या वॉमिटिंग करवाते हैं। उसके बाद 3 से 7 दिन तक खाने पीने में आपको डाइट चार्ट दिया जाता है, जिसको अच्छी तरह से फॉलो करना होता है। इस तरह पूरी प्रोसीजर ऑलमोस्ट 15 दिन में संपन्न होती है। दोस्तों, जनरली कफ प्रधान रोगों में वमन किया जाता है और पित्त प्रधान रोगों में विरेचन किया जाता है। देखने में आए तो अस्थमा, एक्जिमा, सोरियासिस, कोई भी प्रकार के स्किन डिजीज में वमन और विरेचन उत्तम परिणाम देते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि यह घी और तेल क्यों पीना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा सिंपल आंसर है, एक बर्तन है, उसमें आप घी या तेल लगाओ और फिर पानी डालो। क्या होगा, पानी बीच में आ जाएगा, वह बर्तन की सपाटी पे चिपकेगा नहीं। बस उसी तरह शरीर में घी या तेल पीने से शरीर में सेल्युलर लेवल पे से अशुद्धियां दूर हो जाती है। वह अशुद्धियां पोस्ट में यानी के पेट में लाई जाती है और उसको वॉमिटिंग या डायरिया के द्वारा बाहर निकाली जाती है, और इसी वजह से घी या तेल पिलाए जाते हैं। आइडियली जो भी वाटर सॉल्युबल टॉक्सिसिटी है वह यूरिन में निकल जाती है, परंतु जो लिपिड सॉल्युबल टॉक्सिसिटी है वह यह प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाली जाती है। फ्रेंड्स, अब आपका दूसरा प्रश्न होगा कि यह घी या तेल पिलाने से क्या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज नहीं होगा। दोस्तों, इसमें जो घी या तेल पिलाया जाता है वह गाय का घी और तिल का तेल होता है, तो उससे दूर दूर तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि पंचकर्म में वॉमिटिंग और डायरिया करवाते हैं तो बहुत ही ज्यादा वीकनेस आ जाती है, क्या यह सही बात है? नहीं दोस्तों, अगर आपने पंचकर्म ऑथेंटिक वैद्य की निगरानी में करवाया है तो कभी भी उससे ज्यादा वीकनेस नहीं आती है। हाँ, पूरी 15 दिन के प्रोसीजर में एक दिन ऐसा होता है कि जब आपको घर पे रेस्ट लेने की जरूरत होती है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई पंचकर्म ज्यादा वीकनेस नहीं लाता है, क्योंकि वह शरीर की बुरी धातु जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसी को बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से ज्यादा वीकनेस आने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो दोस्तों, यह हो गई वमन और विरेचन की प्राथमिक माहिती। अगर आप अपने डिसीज से थक गए हो, आपको अस्थमा है, स्किन डिसीज है, एसिडिटी है, तो बस बैठे ना रहिए, आपके वैद्य के पास पहुंच जाइए और तुरंत ही पंचकर्म करवा के इंस्टेंट रिजल्ट पाइए। नमस्कार।